होए 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 भाई, कंगना रनावत भाई, इससे पहले की मूवी फ्लॉप हुई है। चलो कोई बात नहीं, बिकॉज यार देखो एक बात बोलता हूँ मैं आप लोगों को भाई, इंदिरा गांधी की बायोपिक को तो आप किसको लोगे यार? भाई कंगना रनावत से बेस्ट कौन हो सकता है? एंड यार देखो 24 घंटे से ज्यादा हो गए मेरे को पता है इसका फर्स्ट लुक आने को, अपन थोड़ा सा लेट हो गए इसका रिव्यू करने से। एक्चुअली देखो यार, मेरे को पता था इसका फर्स्ट लुक आने वाला है, आया भी था, वो भी मैंने उसको आने के बाद देखा था, रात में देखा था। मैंने बोला अब रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद दिन में 2-3 मूवी थी तो उसको देखना था, तो भाई टाइम मिला नहीं। एंड मैं जैसे ही फ्री हुआ मैंने सोचा कि चलो भाई अब तो करना पड़ेगा रिव्यू, बिकॉज यार मैं ऐसी मूवी को झेल के आया ना मिथाली राज, तो मैंने सोचा अब तो आपको बताना ही पड़ेगा भाई कंपेरिजन, अब तो करना ही पड़ेगा कि भाई इसको बोलते कितना जमीन आसमान का फर्क। आपने वहां पर मिथाली राज का बायोपिक बनाया, उसको बोलते एकदम चूदा, मतलब क्या बोलते उसको, एकदम चौदू बायोपिक, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। और वहां पर कंगना रनावत को लुक देखो भाई, जब बैक साइड दिखा रहे थे ना, मतलब जब तक जा नहीं रहा था भाई, जब तक जा नहीं रहा था घंटा वो, उसके बाद कंगना रनावत का आगे से भी आप देखो ना भाई, मतलब 85-90% वो इंदिरा गांधी लग रही है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भाई, वो कंगना रनावत में से किस तरह से इंदिरा गांधी बनी है तो देखो उसको। इसको बोलते भाई, आपका बस चलता था ना तो आप लोग वैसे ही मतलब लिपस्टिक विपस्टिक लगा के साड़ी वाड़ी पहना के मतलब खुद भी मॉडल बना के दिखा देते, ये हमारी मॉडल इंदिरा गांधी। भाई ऐसा नहीं होता है भाई, जिसकी बायोपिक बन रही है ना उसके जैसा भेष भी धारण करना पड़ता है, उसके जैसी एक्टिंग चाहिए, उसके जैसा एटीट्यूड चाहिए, उसके जैसे ही भाई बात करने का तरीका चाहिए, उसके जैसे फेस एक्सप्रेशन चाहिए भाई, वैसे ही हेयर स्टाइल, वैसा ही फेस कट, सेम एक्सप्रेशन, वो फील आना चाहिए कि हम इंदिरा गांधी को देख रहे हैं। एंड वो फर्स्ट लुक देखने के बाद आता है भाई, मतलब कंगना रनौत से बेस्ट आपको कोई नहीं मिल सकता भाई ऐसी मूवी के लिए। भाई ये इमरजेंसी का शूट स्टार्ट हो चुका है भाई, ये मतलब कहे ढाई की मूवी आई होप, बिकॉज यार देखो कंगना रनौत की एक मूवी फ्लॉप हुई है। चलो कोई बात नहीं, लोगों को पसंद नहीं आई, बट ये बंदी भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ यार, मतलब बहुत पसंद है मेरे को, बिकॉज यार बंदी अकेली जितना एफर्ट दे रही है ना कोई नहीं दे सकता, वो बंदी जितना एफर्ट देती है मूवी बनाने के लिए। अभी फ्लॉप हुई थी बट मैं एक चीज बोलता हूँ, भले मूवी किसी को पसंद नहीं आई है ना, मूवी लोगों को मेरे को भी इतनी कुछ खास नहीं लगी, बट मैंने को बोला था कंगना रनौत ने वहां पर जो किया है, जिस तरह से भाई मतलब काम किया है ना भाई, बहुत बड़ी बात है। एक फीमेल एक्ट्रेस इस तरह से भाई काम करती है, इतना भयंकर एक्शन करती है, छोटी बात नहीं होती है, भले ही फ्लॉप हो गई वो, बट भाई काम भयंकर किया था उसने। एंड ये मूवी आई होप चलेगी, एंड भाई जबरदस्त तरीके से बनके रेडी होगी, एंड लोग इसको सपोर्ट करेंगे। हमने देखा भाई जिस तरह से आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी में धमाल मचाया था, आई होप कि भाई इंदिरा गांधी आई मीन हमारी कंगना रनौत भी आके एकदम कहे ढाएगी। बाकी फर्स्ट लुक की बात करें, एकदम जबरदस्त लग रहा है, एकदम फैंटास्टिक लग रहा है। एंड इंदिरा गांधी के लिए भाई जो एक बोलते हैं ना सिलेक्शन, जिस तरह से कास्टिंग जिसको बोलते हैं, एकदम परफेक्ट कास्टिंग है ना, एकदम मजा आ गया भाई। अभी भी नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है उसका, सिर्फ फर्स्ट लुक आप सोचो यार, एकदम मजा आ गया। बाकी आप लोग बताओ कंगना रनौत का वो लुक आपको कैसा लगा है, एंड इंदिरा गांधी वाला फील आया कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।